स्टार्ट चलिए, सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगी। अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पे रखें। नमस्कार। नमस्ते। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों में रखेंगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है। अगर आप सीधा बैठे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जिस भी पोजीशन पे बैठे हैं आपने केवल और केवल अपनी सांसों पर ध्यान देना। सांस आ रही है, सांस जा रही है। जैसे जैसे सांसें आपके अंदर आ रही हैं, विजुलाइज करें आपके आसपास की सभी सकारात्मक ऊर्जाएं आपके सांसों के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करें। और जब आप सांस लेंगे तो अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। आसपास की सकारात्मक ऊर्जाएं किसी भी रूप में, एक फ्रेग्रेंस के रूप में, ठंडी सांसों के रूप में आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप अपनी सांसों को बाहर निकालेंगे, सारी नेगेटिविटी जो भी आपके मन में है, आपके विचारों की, आपकी सोच की या किसी भी प्रकार की, वो सारी नकारात्मक ऊर्जा आपकी सांसों के माध्यम से एक ब्लैक एनर्जी के रूप में बाहर निकलती जा रही। फील करते जाएं। और आप पूरी तरह रिलैक्स हो गए। रिलैक्स रिलैक्स और रिलैक्स। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, अपने हाथ दोनों हाथों को जोड़े और उस प्रभु से प्रार्थना करें कि आज आप जिस कार्य को यहाँ पर करने के लिए बैठे हैं उसमें आपको सफलता मिले। हर चीज को आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए। अपने एक सफेद रंग की ऊर्जा को ब्रह्मांड से अपनी तरफ आता हुआ देखें। देखें कि आसमान से वो सफेद ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है। आपके सर से आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। और देखिए जैसे जैसे वो ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, आप पूरी तरह रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपके शरीर में कहीं भी कोई दर्द है तो आप उस ऊर्जा को उस जगह पर लेके जाएं और उस ऊर्जा से उस जगह को हील करें।
सिर्फ फील करें कि वो ऊर्जा उस जगह पर आ रही है, और जैसे जैसे वो सफेद ऊर्जा उस दर्द वाली जगह पर आ रही है, वैसे वैसे आपका सारा दर्द एक ब्लैक एनर्जी के रूप में बाहर निकलता जा रहा है और आपका दर्द ठीक होता जा रहा है। आपका दर्द पूरी तरह ठीक होता जा रहा है। अपने ईश्वर गुरु जिसको आप मानते हैं उनको धन्यवाद दें, रेकी शक्तियों को धन्यवाद दें, और सभी का धन्यवाद करते हुए अपने दोनों हाथों को रब करें, आंखों पे लगाएं और धीरे धीरे अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोल लें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, गुड इवनिंग वंस अगेन। गुड इवनिंग मैम, थैंक यू। गुड सभी लोग अपने कैमरा लॉक। इवनिंग गुड मैम, गुड इवनिंग, इवनिंग मैम, गुड इवनिंग मैम। आप गुड इवनिंग मैम। लोग अपने कैमरा ऑन करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, मैं आप लोगों के साथ जल्दी अपने आप को कनेक्ट फील कर पाऊंगी। गुड इवनिंग मैम। मैम मैम थोड़ा मैं ऑफिस के अंदर हूँ तो अभी तो कैमरा ऑन नहीं कर सकता हूँ, तो कोई बात थोड़ा नहीं। प्रॉब्लम आप हो जाएगा। आपका नाम क्या है? सुकांत सोम। ठीक है, कोई बात, ओके। जिनका प्रॉब्लम है उनके लिए कोई बात नहीं, बट जो लोग कर सकते हैं ऑन तो प्लीज अपना कैमरा ऑन करें। मैम मैं इंडिया में नहीं रहती हूँ, सो यहाँ पे अभी मॉर्निंग टाइम है और बच्चे थोड़ा सा अभी फन मोड में है, तो इसलिए मैं अभी कैमरा ऑन नहीं करी, लेकिन बीच इन द मिडल ऑफ द क्लास आई विल डेफिनेटली स्विच ऑन माय कैमरा। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक मैंने यू कहा मैम। जो लोग इजीली अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं वो लोग अपना कैमरा ऑन करें, जो नहीं कर सकते उनके लिए कोई बात नहीं, और जो लोग ड्राइविंग कर रहे हैं वो लोग ध्यान दें मेरी बातों पर वो ज्यादा ध्यान ड्राइविंग पर दें। अभी जैसे मैंने आपको एक छोटा सा मेडिटेशन टाइप एक प्रेयर करवाया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसमें खो जाएं और किसी तरह की कोई मिसहैपनिंग। तो इसलिए अपना ध्यान जो भी काम आप कर रहे हैं जो ज्यादा जरूरी है उस पर ज्यादा फोकस हो। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के बेसिकली आज हमारा वेबिनार है रेकी। आप सभी लोग, अधिकतर लोगों को पता ही है कि रेकी क्या होती है और किस प्रकार वो हम लोगों की हेल्प करती है, या किस प्रकार आजकल हम लोग उससे अपनी हेल्थ का अपनी हेल्थ पर काम करते हैं, अपनी बीमारियों पे काम करते हैं, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज के ऊपर काम करते हैं, अपने पॉजिटिव माइंडसेट के ऊपर काम करते हैं। तो सबसे पहले तो रेकी क्या है? रेकी एक जापान से आया हुआ शब्द है। बेसिकली ये जो मोडालिटी है ये हमारे इंडिया की थी, लेकिन इंडिया पे इसके ऊपर काम ना होने के कारण बाद में डॉक्टर मिकाओ ओशी ने इसका पूर्ण रूप से आविष्कार करा, और डॉक्टर मिकाओ ओशी जापान से थे इसलिए इसको वापस ही जापान का नाम दिया गया कि ये मोडालिटी आपके पास जापान से है। रे की, रे प्लस की दो शब्दों से बनी है। रे मतलब यूनिवर्सल एंड की मतलब कि आपका लाइफ फोर्स एनर्जी, यानी कि यूनिवर्सल ब्रह्माणिक पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एनर्जी के नाम से ये जाना जाता है, ये ब्रह्माणिक ऊर्जा जिससे कि हम हर प्रकार के इलाजों को कर पाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि एक सफेद ऊर्जा को आप अपने तरफ देखें और जिस भी हिस्से में आपको दर्द है, तकलीफ है, उस हिस्से में आप उस ऊर्जा को लेकर आए। तो जब आप उस ऊर्जा को वहां पर लेके आएंगे, उसका एक तरीका है जो कि हम जब क्लास करेंगे तो हम आपको बहुत अच्छे से उस चीज को सिखाएंगे कि किस तरीके से उसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपको किस तरीके से उसको यूज करना है। तो उस ऊर्जा से आपको वहां पर वो दर्द में रिलीफ मिला। उसके अलावा यहाँ पे हम बहुत सारे सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। सिंबल्स की अपनी एक पावर होती है, हर सिंबल की 4.5 लाख मंत्रों की पावर होती है। हर सिंबल को सिद्ध किया जाता है, हर एक एक सिंबल को। जब डॉक्टर मिकाओ उसी एक टीचर थे, प्रोफेसर थे, जब वो अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे तो उनके एक स्टूडेंट ने उनको पूछा
जैसे पहले जमाने में आपने देखा होगा कि लोग ऐसे भगवानों की फोटोज के आगे आप देखते हैं कि वो ऐसे आशीर्वाद दे रहे होते हैं, तो यहाँ से एक सफेद रंग की ऊर्जा आ रही होती है ना। तो किसी स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि ये सफेद रंग की ऊर्जा क्या है, क्या ऐसा सच में होता है, तो वो कंफ्यूज हो गए, उनको समझ में नहीं आया। वो उन्होंने इस चीज के ऊपर काफी रिसर्च करी कि ऐसा होता है, मतलब सच में ऐसा होता है जैसा कि हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि आशीर्वाद देते हैं और वो काम हो जाता है। तो उन्होंने इस चीज के बारे में काफी रिसर्च करी। इस चीज को रिसर्च करने के लिए वो बहुत सारी जगह जगह कंट्रीज के अंदर गए, लेकिन उनको इसका कहीं भी आंसर नहीं मिला। लेकिन उनको जब वो बहुत सारी कंट्रीज के अंदर गए, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, उन्होंने हर कंट्री में जाकर वहाँ की भाषा को सीखा, वहाँ की भाषा को सीखकर वहाँ पे जाकर उनके मठों में जाकर रहे, अलग अलग मठों में जाकर उन्होंने रहे, बहुत सारी और विद्याओं को भी उन्होंने सीखा, लेकिन उनको ये आंसर कहीं नहीं मिला कि ऐसा क्या सच में होता है। पर जब सब जगह उन्होंने घूमा तो उनको एक चीज समझ में आ गई कि ये जो विद्या है ये भारत से आई। फिर वो भारत आ गए इस विद्या को और ज्यादा जानने के लिए। जब वो भारत में आए, भारत में आके भी बहुत सारे ऋषि मुनियों से मिले, मठों में रहे, भारत की भाषा सीखी, संस्कृत भाषा के ऊपर अध्ययन किया, क्योंकि हमारे जितने भी मंत्र वगैरह जो भी है सब संस्कृत में है। उन्होंने संस्कृत सीखा, बहुत उसके ऊपर काम किया, लेकिन उनको तभी भी ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन उनको इतना समझ आ गया कि ये कहीं गौतम बुद्धा जी से रिलेटेड है, ये बौद्ध उससे आई। फिर ये वो वहां पर गए, जब वो बिल्कुल थक हार गए, जब उनको कोई रास्ता समझ में नहीं आया कि कैसे होगा ये, तो वो एक पहाड़ की चोटी पे जाके बैठ गए। 21 दिन का उन्होंने संकल्प लिया कि वो बिना कुछ खाए पिए 21 दिन संकल्प करेंगे, क्योंकि उनको नहीं मिल रहा था इसका आंसर, उनको इसका आंसर मिले इसके लिए उन्होंने 21 डेज का संकल्प डाला। जब उन्होंने 21 दिन का संकल्प लिया, तो जब उनके दिन बीतते जा रहे थे और उनको इसका आंसर नहीं मिल रहा था, तो वो अंदर से परेशान हो गए। उनको लगा 21वें दिन में उनको लगा कि अब वो नहीं बचेंगे, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी अंदर से वीक हो गई थी। उन्होंने भूखा प्यासा रहकर 21 दिन का संकल्प लिया, ना उन्होंने 21 दिन से कुछ खाया था ना पिया था, जिसके कारण वो इतने कमजोर हो गए थे कि वो चल भी नहीं पा रहे थे, बोल भी नहीं पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और उनको लगा कि अब उनका अंतिम समय निकट आ गया है, अब वो नहीं बचेंगे। ऐसी सिचुएशन पर जब उन्होंने बिल्कुल वो मरने की हालत में हो गए, बेहोशी की हालत में आए, तो एक सफेद रंग की ऊर्जा आसमान से उनकी तरफ आई, और उस ऊर्जा ने उनको ऐसे पुश किया और वो ऐसे चक्कर खा के नीचे गिर गए और बेहोश हो गए। उनको कुछ पता नहीं चला। उसके थोड़े घंटों के बाद जब उनकी आंखें खुली, प्लीज कंटिन्यू। जब कुछ घंटों के बाद जब उनकी आंखें खुली, तो वो घबरा गए, उनको एकदम से वो उठे, उन्होंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ। जब वो उठे तो जितने वो अंदर से वीकनेस उनको फील हो रहा था, जितने उनको कमजोरी महसूस हो रही थी, तो वो एकदम से फ्रेश और एनर्जेटिक उन्होंने अपने आप को महसूस किया। और जैसे ही वो उठे, उनको कुछ समझ नहीं आया और वो वहां से भागना शुरू हो गए। और वो जैसे जैसे पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, तो उनको एक ठोकर लगी, जिसके कारण वो गिर गए, उनके पैर में से ब्लड आने लग गया, और वो भागते ही चले गए, घबरा गए कि ये क्या हो गया। और जैसे ही उनके पैरों में से जब ब्लड आया, उनको वहां पे जब पेन हुआ, तो उन्होंने वहां पर अपना हाथ रखा, और जब उन्होंने वहां पर अपना हाथ रखा, तो उन्होंने देखा कि वो चीज वहां से उनका ठीक हो गया, वो दर्द उनका वहां से ठीक हो गया, और जो ब्लीडिंग हो रही थी वो ब्लीडिंग वहां पे रुक गई। तो उनको समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया उनके साथ। वो और नीचे आए, जब वो बिल्कुल नीचे धरती मतलब अर्थ के ऊपर आ गए, पहाड़ से बिल्कुल नीचे उतर गए जमीन पर, तो जमीन पर आने के बाद जब उन्होंने देखा, वहां आसपास में बीमारी फैली हुई थी। तो वो जैसे किसी भी बीमार व्यक्ति को देखते थे, उसके सर पे हाथ रखते थे, तो वो ठीक हो जाता। उनको नहीं समझ में आ रहा कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। फिर उन्होंने इसकी साधना करी जानने के लिए। उन्होंने जब वो साधना पे बैठे, तो जो भी हम सिंबल्स जो हम आज सीखते हैं रेकी के अंदर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 के अंदर, वो सारे सिंबल्स जो होते हैं
वो उनको उसी मेडिटेशन के माध्यम से, जब वो साधना में बैठे तो उनको वो सारे सिंबल साधना से मिले, और जब उन्हें वो सिंबल्स मिले तो फिर उन्होंने उन सिंबल्स के ऊपर और काम करा, फिर उन्होंने अपने स्टूडेंट्स तैयार करे, फिर उनके साथ मिलकर उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, इस प्रोसेस को, जैसे जैसे उनको इंट्यूशन आती जाती थी वैसे वैसे वो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते चले। उसके बाद जब और मास्टर्स आते गए तो उन्होंने और इसके अंदर इसको और इनहेंस करा, और इसके अंदर कुछ कुछ चीजों को बदला, और जैसे जैसे उन्होंने इस चीज को बदलते गए तो ये और एक नए नए फॉर्म में आते गए। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप बहुत सारी जगहों से सीखते होंगे, हर जगह का अपना एक तरीका होता है सिखाने का, कोई किसी तरीके से सिखाता है, कोई किसी तरीके से सिखाता है, लेकिन घूम फिर कर चीज एक ही होती है। ये सिर्फ आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से सीखते हैं और किस तरीके से उसको अपने जीवन में उसको यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो रेकी बहुत ही साधारण और बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर किसी तरह का कोई धर्म नहीं है, ये आप कोई भी धर्म का व्यक्ति इसको सीख सकता है, चाहे आप किसी भी धर्म के साथ में बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार की सफेद ऊर्जा, हम जिसको बोलते हैं व्हाइट एनर्जी, ये वो है, जैसे मैंने अभी बोला ना आपको कि व्हाइट लाइट को आप विजुलाइज करें, तो ये एक प्रकार की सफेद ऊर्जा है। दो तरह की ऊर्जाएं होती हैं, एक ब्लैक मैजिक होता है, एक व्हाइट मैजिक होता है। ठीक है, व्हाइट ब्लैक मैजिक वो होता है जो लोग नकारात्मक ऊर्जाएं भेजते हैं, अपनी नकारात्मक ऊर्जाएं किसी भी चीज को लेकर कहीं पर, और व्हाइट मैजिक वो होता है जहां पर कोई आपको अच्छे से, आप कहीं बैठते हैं किसी संत महात्माओं के बीच में बैठते हैं और वो जब आपको अपना प्रवचन करते हैं तो आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना, आप उनकी तरफ पॉजिटिव रूप में अट्रैक्ट होते हैं, उनकी बातें सुनकर आपको अच्छा लगता है, आपके जीवन में बदलाव आता है। तो उसी प्रकार से जो रेकी है वो एक प्रकार से एक ऊर्जा है, एक हीलिंग मोडालिटी जिसको हम बोलते हैं, एक एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी है जो कि आपके जीवन को बदल देती है, आपके जीवन को खूबसूरत बना देती है किसी भी प्रकार की। जरूरी नहीं कि आप इससे सिर्फ एक बीमारियों का ही इलाज करते हैं, इससे आप मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं। सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ पर ही काम किया जाता है, जब आपकी मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, बीमारियां चल रही होती हैं, उस पर अपने आप ही काम होने लग जाता है। ठीक है ना, इसके अलावा हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके अलावा हम लोग पॉजिटिव सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सकारात्मक शब्द अपने आप में हीलिंग मोडालिटी है, अगर आप किसी भी व्यक्ति को उसको अच्छा बोलेंगे तो वो एक अच्छा इंसान बनेगा, उसके मन में अच्छी भावना आएगी। अगर आप किसी को भी बार बार उसको गलत बोलते जाएंगे, उसको गालियां देते जाएंगे, उसके लिए बुरा बोलेंगे, तो ब्रह्मांड वही एनर्जी को उस पर भेजेगा। जैसे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको मालूम ही है कि हम जो सोचते हैं, हम जो भेजते हैं, हम हाँ कहते हैं। ये आप लोगों का ना वॉइस आ रहा है, अपने बंद रखिए प्लीज। तो जैसे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम जो लोग बोलते हैं, जो सोचते हैं, वही हमारी बातें आसमान यानी कि ब्रह्मांड में जाती हैं, और ब्रह्मांड से वही हमारे पास आती हैं 10 गुना लौट कर। इसीलिए कहते हैं ना कि किसी के लिए भी कुछ आपको कहना है, सुनना है, सोचना है, तो अच्छे विचारों के साथ आप बोलिए, बहुत सोच समझ के बोलिए, क्योंकि आपके शब्द ही वो चीजों को बनाते हैं। कहते हैं ना कि शब्द ही ऐसे होते हैं, अगर आपके शब्द अच्छे हैं तो आप गैरों को अपना बना सकते हैं, और अगर आपके शब्द अच्छे नहीं है तो आप अपनों को पराया बना सकते हैं। तो शब्दों पे बहुत ज्यादा हमको काम करना होता है, हमारे पॉजिटिव विचारों के ऊपर, पॉजिटिव सोच के ऊपर। ठीक है, तो जब हम ये सब चीजों को उसमें जोड़ते हैं, इन सब चीजों के साथ मिलके काम करते हैं, जो भी हमारे रेकी के जो हमारे 5 प्रिंसिपल्स हैं, हम जब उनके ऊपर काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में बदलाव आता है। और सबसे पहले तो हमें हमारे ही जीवन में बदलाव लेकर आना है, और जब हमारे जीवन में बदलाव आता है तो हम दूसरों के जीवन में भी बदलाव लेकर आते हैं। और बहुत सारे लोगों की मिथ होता है कि क्या इसका कोई कार्मिक आपके ऊपर आता है या कुछ होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जब हम लोग इन सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्शन सिंबल्स का भी यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के बहुत ज्यादा ऐसे कर्मा बीच में आते हैं, बहुत ऐसे तरह के कर्मा आ जाते हैं जिसके कारण जो एक हीलर होता है
उसको भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहले तो जो हीलर होता है उसका काम क्या है कि उसको अपनी एनर्जीज को मजबूत रखना है, अपनी एनर्जीज को स्ट्रांग रखना है, अपनी खुद की हीलिंग्स करनी है, अपने खुद के शब्दों पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है, प्लस अपनी अपने खाने पीने की चीजों पे बहुत कंट्रोल करना है। क्योंकि खाने पीने की चीजें क्या होता है कि हर एक खाने का अपना एक ऑरा होता है। अब जो लोग बाहर बाहर का बहुत खाते हैं, आजकल अधिकतर लोग बाहर का खाना खाते हैं, जब हम लोग बाहर जाते हैं तो बाहर का अपना एक ऑरा होता है। अगर आप एक अच्छी जगह पे जाके बैठ के खाना खा रहे हैं, जैसे कोई मंदिर, सत्संग, या वहां पर वो एक प्रकार का प्रसाद होता है, लेकिन अगर वही चीज आप कहीं और जगह पे खा रहे हैं तो जो आसपास का जो नेगेटिव ऑरा, जो भी मतलब वहां पे कुछ भी नेगेटिविटी होगी तो वो उस खाने में आती है, और जब वो खाना आप खाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में भी आ जाती है। उसकी वजह से आपका भी मन विचलित होना शुरू हो जाता है। तो इन सब चीजों का बहुत आपको ध्यान रखना पड़ता है अपने खाने पीने के ऊपर। जैसे कि नॉर्मली लोग नॉनवेज भी खाते हैं, देखिए बहुत सारी सिटीज, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं जहां पर आपको नॉनवेज ही मिलता है, तो ठीक है आप खा सकते हैं क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन इंडिया एक ऐसी जगह है जहां पर आप इसके बिना भी अपना जीवन जी सकते हैं, तो कोशिश करें कि अपने आप को उन चीजों से दूर रखें, ठीक है ना। सात्विक भोजन करें, जितना आप अपने खाने के ऊपर कंट्रोल करेंगे उतना ही आपका जो मन है, जो जो चंचलता होती है मन के अंदर, वो आपकी कंट्रोल होगी, और जब वो चीजें आपकी कंट्रोल होंगी तो आपका ऑरा मजबूत होता जाएगा, और जब ऑरा आपका मजबूत होगा तो आपको जब भी आप किसी को हीलिंग दे रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, तो कार्मिक इश्यूज आपके ऊपर लौट के नहीं आए। उसके अलावा भी कभी कभी बहुत ज्यादा ऐसी जड़ होती हैं चीजें जहां पर हम लोग बहुत हीलिंग भी करते हैं लेकिन कभी कभी उसमें भी हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, या फिर जो व्यक्ति हीलिंग कर रहा होता है उसके साथ में कुछ कुछ नेगेटिव होना शुरू, तो उसके लिए हम ऐसा सिखाएंगे आपको, जब हम लेवल 4 5 में जाते हैं तो कुछ इस तरह की चीजें आपको सिखाई जाएंगी कि आपके ऊपर उनका कार्मिक ना आए, ठीक है। तो ये सब चीजें आप जैसे जैसे सीखेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो आप अपने आप से वो सब चीजें सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका अब तक मैंने जो कुछ भी आपको बताया है उसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते। कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कर सकते। मैम, ग्रैंड मास्टर लेवल पे हम लोग कर सकते हैं, ग्रैंड मास्टर ले सकते हैं सीधा अभी? देखिए उसके लिए क्या नेसेसिटी होगी मैम? क्या पूछा आपने, उसके लिए क्या होगा ये पूछा आपने। नहीं, हम मेरे को मतलब अब ग्रैंड मास्टर अगर करना है राइट, तो व्हाट इज द नेसेसिटी? व्हाट इज द, अच्छा नेसेसिटी ग्रैंड मास्टर करने के लिए आपने मास्टर्स कर रहा होगा ऑलरेडी। ग्रैंड मास्टर्स मास्टर का ट्रीटमेंट दे दोगे डायरेक्ट? देखो डायरेक्ट हमने यहाँ पे नहीं, हमारा 3 मंथ्स का पूरा कोर्स है, क्योंकि मैंने बोला ना कि हर एक मास्टर का अपना तरीका होता है कराने का, और जब आप हमारे से करेंगे तो हमारा अपना तरीका है, आपने किस तरीके से किया है। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं वो कहते हैं कि हमने लेवल 3 तक किया हुआ है, हम लेवल 4, लेकिन जब उनसे बहुत सारी बातें बीच बीच में पूछी जाती है तो वो उनको मालूम नहीं होती, तो इस तरीके से फिर उसमें ना कंफ्यूजन हो जाती है। आप कर तो लेंगे लेकिन करने के बाद क्या होगा ना, आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला मेरा तरीका बिल्कुल अलग है, हालांकि हर मास्टर का तरीका बिल्कुल अलग होता है। अब मुझे नहीं पता आपने कौन से तरीके से सीखा, बाकी कराने के लिए करा भी सकते हैं, तो आप एक बार पर्सनली बात करिएगा फिर आपसे बात करो, ठीक है। हाँ जी बताइए सत्येंद्र जी प्रकाश जी। जी मैं ये पूछ रहा कि फिर आप जो 3 महीने का कराएंगे उसमें ग्रैंड तक का कोर्स होगा, पूरे हाँ, उसमें पूरा ग्रैंड मास्टर तक का कोर्स होगा, मैं आपके होगा साथ पीपीटी शेयर कर देती हूँ। जी, वो बता दें आप। यस देखिए हाँ जी प्राची जी बताइए। हेलो मैम, मैं पंची हूँ। मैम एक्चुअली मैंने लेवल 2 तक का कर रखा है। मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि
मैंने जो किया है एक्चुअली कहीं और से, मैंने जो ट्रेडिशनल रेकी है जिसमें चाइनीज सिंबल्स यूज होते हैं वो भी मैंने सीखा था, थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगा, तो ट्रेडिशनल ही मैंने होती है कहीं और। रेकी, तो रेकी ट्रेडिशनल ही है, सारे सिंबल चाइनीज ही है, जैपनीज मीन्स वही सब है, सारे हाँ हाँ ट्रेडिशनल। तो लेकिन मैंने अभी मॉडर्न बेकी भी देखा है जिसमें ज्योमेट्रिकल सिंबल्स यूज होते हैं, जैसे कि सेहे के लिए या हॉन सजेशन के लिए, तो वो कौन सा वाला सीखेंगे इसमें, मैं यही जानना देखिए जो चाहती हम आपको सिखाएंगे ना, हम आपको ट्रेडिशनल सिखाएंगे, ट्रेडिशनल के साथ में कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जो हमारे, जिनसे हमने सीखा है, उन्होंने उसको बनाया है, उन्होंने आपको सिखाऊंगी, दोनों तरीके से सिखाऊंगी, लेकिन मेन हमारा ट्रेडिशनल ही रहेगा क्योंकि मेन तो वही है। उसके बाद तो जो भी मास्टर्स हैं उन्होंने खुद से वो सिंबल्स बनाए, उन्होंने खुद से उनके ऊपर काम करा, वो तो आप भी जब ग्रैंड मास्टर्स बन जाएंगे तो आप खुद भी अपने सिंबल्स बना सकते हैं, ग्रैंड मास्टर बनने ओके के बाद आप अपने सिंबल्स खुद भी बना सकते हैं, तो वो कोई भी आप बना सकते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं है कि जो अगर बाहर आपको सिखाया जा रहा है तो आप वही सीखें, बट जब मेन होती है वो आपकी हिस्ट्री, जो आपकी, आपने बोला ना ट्रेडिशनल, तो मेन आपका ट्रेडिशनल ही है। ओके ठीक है, क्योंकि वो सिंबल्स थोड़े डिफिकल्ट है क्योंकि वो जापानीज स्टाइल में है सब कुछ, जैसे कि नहीं नहीं सेहे बिल्कुल की डिफिकल्ट और कौन सा। नहीं है, डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा भी जरूरी ठीक है। है मैम, आप सिखाएंगे तो सीख लेंगे शायद इस बार। हाँ जी मैम मेरा एक देखिए, क्वेरी है मैम। हेलो मैम, बोलू? हाँ जी बोलिए ना। हाँ मैम, मेरा जो क्वेरी है ये है कि ये तो ट्रेडिशनल है, तो ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, मतलब कितना कितना लेवल है इसमें, मतलब ग्रैंड इसमें मास्टर तक, लेवल ये फाइव, मैं मुझे। आपको वही बता रही हूँ कि ये लेवल 5 होते हैं, इसके 5 लेवल्स होते हैं। ये हमारा ओके लेवल 1 है जिसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ रेकी, हिस्ट्री ऑफ रेकी, प्रिंसिपल्स, ऑरा क्लीनिंग, ये सारा आपको, हाउ ओके टू चार्ज वाटर, हाउ टू चार्ज, आपको फूड भी इसमें सिखाया जाएगा, और आप किस ओके तरीके से बुखार को, अगर अचानक में किसी को बुखार आ जाता है तो सिंपल तरीके से जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका होता था उस तरीके से हाँ आप किस तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं नेगेटिविटी। ओके और प्लस इसके अंदर 21 डेज का जो मेडिटेशन आपको बताया है, इसके अंदर क्या है अच्छा ना कि आपके 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग, जो 24 बॉडी पार्ट्स अच्छा हमारे होते हैं उसके हम इसमें हीलिंग कराएंगे। पर मैं आपको बता दूं कि जो 24 बॉडी पार्ट्स हमारे क्या होते हैं, 24 बॉडी पार्ट जो हमारा मेन होता है काम, जो लेवल 1 के अंदर आपको सिखाया जाता है, ठीक है। देखिए ओके हमारे, जब बच्चा जब इस दुनिया में जन्म लेता है ना, हमारी बॉडी के अंदर 24 सेंटर्स होते हैं, हमारे पूरे ओके शरीर में मैम 24 सेंटर्स होते हैं। जब एक बच्चा इस ओके दुनिया में आता है, जब बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है, तो वो पूरी तरीके से एनर्जेटिक होता है। आप देखेंगे कि कोई छोटा सा बच्चा होता है, आप किसी के भी घर में होगा, आप कितने भी परेशान है, कितने भी स्ट्रेस में, आपको कितना भी गुस्सा है, आप कितने भी क्रूर इंसान है, एक पर्सन, डोंट माइंड, मतलब एक जस्ट ओके नॉर्मल हाँ वाला, जब आप हाँ मैम बच्चे को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी मिलती है, आपको दिल करता है। आपका दुश्मन का भी बच्चा आपके सामने आएगा तो आपका दिल करेगा कि आप उसको गोद में ले ले, उसको प्यार करें, होता है ना, क्योंकि उस हाँ बच्चे की मैम एनर्जी अच्छी होती है। लेकिन यस जैसे राइट जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे बच्चा वो बड़ा होता जाता है, तो उसके अंदर के आसपास के माहौल से वो नेगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कुछ उसके पीछे के कर्मा ऐसे होते हैं जिसके कारण वो ओके नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेता है, और धीरे धीरे साइकोलॉजिकली उसके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है, जिसके कारण जो उसके 24 बॉडी पार्ट्स के जो हमारे सेंटर्स होते हैं वो ब्लॉक हो हाँ जाते हैं। और जब वो हमारे ओके सेंटर ब्लॉक हो जाते हैं तो फिर हमारी बॉडी के अंदर वो नेगेटिविटी आने लग जाती है, और फिर धीरे धीरे हमारे को बीमारियां, हमारा ऑरा डाउन होने लग जाता है, हमारी बॉडी के अंदर जो 7 चक्रास होते हैं वो सारे चक्रास हमारे ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं, और फिर हर चक्र की अपनी एक स्पेस है, एक जगह है हमारी बॉडी के अंदर, और जहां पर भी वो जगह होती है उसके अकॉर्डिंगली हमारी बीमारियां भी होती हैं, हमारी बॉडी ऑर्गन्स उसके साथ जुड़े होते हैं, तो जो चक्रा के साथ जो भी बॉडी ऑर्गन आपका जुड़ा हुआ होगा उस बॉडी ऑर्गन के अंदर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। सपोज करिए आजकल बहुत ही कॉमन सी बीमारी होती है हार्ट अटैक, है ना, तो जब आपका हार्ट हाँ हो जाएगा, आपका हार्ट ब्लॉक हो गया, तो हार्ट हार्ट पे आपके ब्लॉकेज आ गए, जब आपके हार्ट पे ब्लॉक होगा तो नॉर्मल, ये नॉर्मल बात है ना, हार्ट अटैक आना बहुत ही कॉमन सी बात है। अब ओके वो मैम हार्ट पे ब्लॉकेज कैसे आई, एकदम एक दिन का प्रोसेस नहीं है ये, बहुत सालों का प्रोसेस, बहुत सालों से पता नहीं क्या क्या चीजों को आप अपने हार्ट के अंदर
दबा के बैठे हैं, अपने इमोशंस को दबा के बैठे हैं। कभी कभी वो प्यार के भी हो सकते हैं, कभी कभी वो गुस्से के हो सकते हैं, कभी वो किसी भी चीज के इमोशंस हो सकते हैं। उन इमोशंस को आप दबा के बैठे हैं, धीरे धीरे करके वहां पर वो ब्लॉकेज बन गई है, और जब वो ब्लॉकेज वहां पर बन गई है तो हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हो गई। ठीक है, बीमारियां हाँ बहुत समय के बाद आती हैं, शुरुआत बहुत पहले हो जाती है, धीरे 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 करके वो लेवल जब आपका बढ़ जाता है फिर वो बीमारी के रूप में आपके सामने आता है। तो हमारी बॉडी के जो 24 बॉडी पार्ट्स होते हैं, ये हमारे शरीर के एनर्जी सेंटर्स होते हैं। तो हम सबसे ओके पहले जो हमारा लेवल 1 होता है, इसके अंदर हम आपको यही सिखाएंगे कि आपने अपने 24 बॉडी पार्ट्स की किस प्रकार हीलिंग करनी है। अब नॉर्मल ओके जब हम लोग हीलिंग करते हैं 24 बॉडी पार्ट्स की, तो हम लोग करते हैं सिंपल व्हाइट लाइट से। ठीक है, आप करिए ओके 7, हम मतलब जो मेरा तरीका है कराने का वो ये है कि आप 1 वीक उसको नॉर्मल तरीके से अपने 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करेंगे व्हाइट लाइट से। ओके उसके बाद हम जब आप लेवल 2 पे आ जाएंगे तो हम आपको उसमें सिंबल सिखाएंगे। जो हमारा सिंबल ओके नंबर 1 होता है, सिंबल नंबर 1 ओके यानी कि हमारा चौकोरे, जिसको हम सिंबल नंबर 1 बोलते हैं। हम ओके सिंबल्स के नाम ऐसे इजीली नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सिंबल्स ओके अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो इसलिए उनका नाम ऐसे इजीली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो एक ओके प्रकार से हमारी पूजा है ना, ओके हमारी ओके आराधना। तो लेकिन मैंने फिर भी नंबर 1 का नाम इसलिए ले लिया क्योंकि वो बहुत कॉमन है। अगर आप यूट्यूब पे कहीं भी देखेंगे आपको मिल जाएगा, अधिकतर लोग आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए मिलेंगे। तो ओके जब हम जैसे 7 डेज तो हम नॉर्मल तरीके से हीलिंग करते हैं, उसके बाद हम बाकी जो हमारे दिन होते हैं उसके अंदर हम फिर सिंबल नंबर 1 के साथ अपनी हीलिंग करते हैं। क्योंकि जब आपका लेवल 1 का अटूनमेंट होगा तो आपको चौकोरे सिंबल, जो सिंबल नंबर 1 से आपको अटूनमेंट जाएगा, तो वो आप अटूनमेंट तो आपको लेवल 1 में मिल ही जाएगा, लेकिन आगे जब आप लेवल 2 में जाएंगे तो आप उसको सीखेंगे, तब आप उसको समझ पाएंगे कि हाँ ये होता है सिंबल, इसका ऐसे काम होता है, ये सब तरीके तब आप उसको यूज करेंगे। तो तब मतलब आप उसको खुद से यूज कर पाएंगे लेवल 2 के अंदर। लेवल 1 में आप उसको यूज नहीं कर सकते, लेवल 2 में ही आप उसको यूज कर, तब आप उससे अपनी हीलिंग करेंगे, तो आपको खुद और ज्यादा अपने अंदर डिफरेंस नजर आएगा। देखिए, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, समझ में आप नहीं आएगा, करेंगे राइट तभी आपको वो डिफरेंस समझ में आएगा। मैम? मुझे मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा ये क्वेश्चन है कि लाइक लेवल 1 में एक इनिशिएशन होगा, लेवल 2 में भी होगा, 3 4 5 5 तो है, तो 5 का इनिशिएशन होगा, राइट? लेवल 1 या में क्या बोला आपने, दोबारा बोलेंगे? मैं बोल रहा हूँ इनिशिएशन का बात, जो जो इनिशिएशन होता है, तो वो अगर लेवल 5 तक है तो 5 मतलब 5 टाइम्स इनिशिएशन होगा, लेवल 1 का इनिशिएशन, लेवल 2 का इनिशिएशन, लेवल 3 का, लेवल 4 का, लेवल 5 का, ऐसा ही होता है ना? सबका सबका अलग अलग होगा, हाँ, सबका अलग। अलग अलग इनिशिएशन होगा इसका। क्या 21 डेज का हीलिंग ऐसा कुछ होगा क्या, मतलब हर हर लेवल का? मैंने बोला ना, लेवल 1 के अंदर हम आपको 7 डेज का करवाएंगे। 7 डेज ओके आने के बाद फिर वो आप खुद करेंगे, क्योंकि उसके बाद जब हम लेवल 2 पे आएंगे तो हम आपके चक्रास के ऊपर काम करेंगे, करेंगे आप सारा। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ मैम। मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। मेरा क्वेश्चन ये है कि लेवल 1 में जो मुझे जो इनिशिएशन मिलेगा, उसके उसके ऊपर जो 24 मेरा बॉडी पार्ट है, उसमें जो मैं हीलिंग दूंगा, वो क्या 21 डेज दूंगा? मैं वही पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, आप 21 डेज देंगे, और वो कंटिन्यू करना पड़ेगा? वो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा 21 डेज तक। फिर उसके बाद जब अच्छा हम लेवल 2 के अंदर, जो हमारे 7 चक्रास के ऊपर हम लोग काम हाँ करें, तब भी वो हाँ आपको पूरा 21 डेज होगा। उसके बाद हमारा अच्छा लेवल 3 के अंदर हमारे कार्मिक हीलिंग होती है, वो भी हम ओके 21 डेज करवाते हैं। फिर उसके बाद ओके हमारी 21 डेज की हीलिंग नहीं होती है, लेकिन हमारे लेवल 4 के अंदर जब हम सिखाते हैं आपको हेल्थ अट्यूनमेंट, तो वो मैं आप ओके लोगों को 21 डेज करें। क्योंकि 21 डेज करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि जब आप हेल्थ अट्यूनमेंट सीखते हैं तो वो आपको ओके टिप्स पे आ जाए करना, ओके ओके वो मैम, आपको टिप्स ओके पे। और प्लस जब आप किसी को अट्यूनमेंट देंगे तो वो प्रोसेस नियर बाय सेफ होता है, तो वो आपके लिए इजी हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि लोग सीख लेते हैं, सीखने के बाद नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो उसमें कंफ्यूजन स्टेट्स रहती है, और फिर उसके अंदर वो किसी को अट्यूनमेंट ही नहीं दे पाएंगे, तो फिर सीखने का फायदा क्या होता है? नेचुरल बात है, यस ज्यादातर लोग चाहते हैं कि हम सिखाएं, और किसी को भी ना सिखाएं तो अपने घर के लोगों को ही सिखा दे, है ना? ओके ओके तो यस बड़ी यस मैम इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम बार बार करते हैं।
21 डेज का जो मकसद है, हमने प्रॉपर उसके एक हाँ ऑडियो, वो आपको ऑडियो दिया जाएगा, हर एक ओके मेडिटेशन ऑडियो आपको दिया जाएगा ताकि आप उसको पर्सनल लेवल पे भी कर सकें। ओके मैम, ओके ओके ओके, थैंक बताने यू, का थैंक्स सो मतलब, मच. थैंक यू, ना वेलकम, थैंक आई एम रियली वेरी मच इंटरेस्टेड टू ज्वाइन योर कोर्स मैम. यू, थैंक यू सो मच। कराने का जो मकसद है वो यही है ताकि आप लोगों की बार बार उसकी प्रैक्टिस हो और वो चीज आपके, कहते हैं ना, ब्लड के अंदर आ जाए, खून में बस जाए, ठीक है, मकसद यही है करने। अब जब हमारा लेवल 2 स्टार्ट होता है तो उसके अंदर हमारा मेन तो है, इसके अंदर हमारे चक्रास के ऊपर हम सारा काम करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। आप सबको पता है हमारे 2 तरीके के माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस लेवल पे, एक सबकॉन्शियस लेवल। तो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर आपका काम होगा, आपके बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर आपका काम होगा, ये आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर आपका काम होगा, और बहुत सारी चीजें इसमें आपको बताया हुआ है। अब लेवल 3, लेकिन जो मेन चीज है वो हमारे चक्रास है। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आपके चक्रास हैं, जितना भी आपको प्रॉब्लम है, चाहे वो आपके प्लैनेट्स को लेकर है, चाहे वो आपके आपके ब्लैक मैजिक है, ईवल आई है, जो भी है, वो सब कुछ आपके चक्रास के ऊपर है। अगर आपके चक्रास प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होती जाएंगी, ठीक है। लेवल 3 के अंदर भी हमारा जो साउंड हीलिंग है, साउंड हीलिंग का हम सिर्फ कुछ पार्ट आपको बताएंगे, क्योंकि वो एक पार्ट है कि उससे आपको एक रिलैक्सेशन मिले, प्रॉपर कोर्स नहीं है, क्योंकि साउंड हीलिंग का अपना एक पूरा बड़ा कोर्स होता है, वो नहीं है, सिर्फ इतना सिखाया जाएगा जितना आपके लिए इस कोर्स के अंदर जरूरी है, ठीक है। विश बॉक्स आपको कैसे बनाना है, आपको किस तरीके से 100 लोगों की हीलिंग किस तरीके से आपको करनी है, आपको विश बॉक्स में तो आप केवल अपनी खुद की हीलिंग करेंगे, लेकिन जब आप इसमें ना थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ये कुछ उल्टा सीधा हो गया, मतलब ये यहाँ से यहाँ आ गया, बट कोई बात नहीं, मैं जो आपको समझा रही हूँ वो आप उस बात पे सुनिए। 100 लोगों का हीलिंग ग्रिड होता है, एक होगा आपका सिंपल विश बॉक्स और एक होगा आपका जिसमें आप एक साथ 100 लोगों की हीलिंग करेंगे, तो वो किस तरीके से करनी है वो सब आपको उसमें बताया जाएगा। प्लस उसके अंदर आपको सती ग्रिड किस तरीके से बनाना है, सती ग्रिड यानी कि आपके जो रिलेशनशिप्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, या फिर अनवांटेड भी, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ हम रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं, पर हम चाहते हैं कि वो प्रेम से हमारे जीवन से चले जाए, तो उन लोगों के साथ आपको किस तरीके से हीलिंग करना है वो सब आपको वहां पे सिखाया जाएगा। 3rd लेवल का भी आपका अटूनमेंट अलग से होगा, और उस अटूनमेंट के अंदर जब हम आपको कार्मिक हीलिंग कराएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि जब कार्मिक हीलिंग करेंगे तो उसके अंदर आपका सारा कुछ उसके अंदर आ जाएगा, आपके प्लैनेट्स, आपकी बीमारियां, आपका ब्लैक मैजिक, आपका पितरा दोष, सब कुछ एक ही मेडिटेशन में कवर हो जाएगा, तो वो आप रेगुलर करेंगे और उस सबका ऑडियो आपको मिलेगा। आपको ये नहीं है कि आपका कोर्स हो गया तो अब खत्म हो गया, आप कोर्स के बाद भी उसको कभी भी करना चाहें आप कर सकते हैं, किसी और को कराना चाहें तो भी करा सकते हैं, और अपनी आवाज में बनाकर भी करवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारा लेवल 4 होता है, लेवल 4 के अंदर हम सिखाते हैं कि आपने किस तरीके से लेवल 1 को सिखाना है, किस तरीके से लेवल 2 को सिखाना है, और किस तरीके से लेवल 3 को सिखाना है। इसके अलावा लेवल 4 के अंदर भी आपको 9 पावरफुल सिंबल्स अलग से दिए जाएंगे। लेवल 1 में आपको कोई सिंबल नहीं सिखाया जाता, लेवल 2 में आपको 3 सिंबल्स दिखाए देते हैं, सिंबल नंबर 1, सिंबल नंबर 2, सिंबल नंबर 3, और फिर उसके बाद आता है आपका लेवल 3। लेवल 3 के अंदर आपके काफी सारे सिंबल्स हैं, जो मेन आपका मास्टर सिंबल होता है, का अटूनमेंट आपको लेवल 3 के अंदर दिया जाता है। लेवल 3 के अंदर आपको साइकिक सर्जरी सिखाई जाती है, लेवल 3 के अंदर आपको साइकिक अटैक सिखाया जाता है, साइकिक सर्जरी यानी कि यूनिवर्सल ऑपरेशन, और आप जब करेंगे तो आप देखेंगे, और जो आप जो आप लोगों में से जो लोग करते हैं उनको मालूम भी है कि उनके रिजल्ट्स कैसे हैं, ठीक है। और जब आप लोग साइकिक अटैक करते हैं, तो साइकिक अटैक जब हम करते हैं, बेसिकली साइकिक अटैक को लोग सोचते हैं कि ये कोई भूत प्रेत बाधा ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। साइकिक अटैक होता है आपकी डीप हीलिंग, आपकी डीप हीलिंग, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नेगेटिव उसमें आ जाता है, या कोई बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा है कोई व्यक्ति, और उसका जो माइंड स्टेट है वो बहुत नेगेटिव हो गई है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया है, तब हम उसको साइकिक अटैक उसका निकालते हैं, और साइकिक अटैक निकालने के बाद उसकी हीलिंग किया जाता है। तो साइकिक अटैक जो होता है वो एक प्रकार से आपकी डीप हीलिंग होती है। बाकी भूत प्रेत बाधा में भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं,
लेकिन जैसा भी तरीका होगा वो मैं आपको क्लास के अंदर बताऊंगी, बट 100% वो भूत प्रेत बाधा में काम नहीं आता है, वो केवल और केवल आपका डीप हीलिंग में काम आता है। लेकिन क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति के साथ इस तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, और जब वो व्यक्ति या आप उस व्यक्ति को जब आप हीलिंग करते हैं, या आप उसका साइकिक अटैक निकालते हैं, या वो व्यक्ति खुद अपना साइकिक अटैक निकालेगा। देखो, जब आप लोग लेवल 3 तक पहुंचेंगे, कोई भी व्यक्ति लेवल 3 तक पहुंचेगा, तो उसके ऊपर ये आएगा ही नहीं, साइकिक अटैक वगैरह होगा ही नहीं। क्यों? मतलब भूत प्रेत वाली जो बाधा होती है वो होगी ही नहीं। लेकिन जो व्यक्ति आपके पास आपके पास कोई आता है एज अ क्लाइंट, आपके पास आ रहा है कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो जब आप उसकी हीलिंग्स करेंगे, जब आप उसके 7 चक्रास के ऊपर काम करेंगे, तो जैसे जैसे आप उसके 7 चक्रा की ऊर्जा को बढ़ाएंगे, तो जैसे जैसे जब उनकी ऊर्जाएं बढ़ती जाएंगी, तो जो भी वो नेगेटिविटी है वो बाहर निकलती अपने आप से चली जाएगी। इसी तरीके से आप घर की भी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, ऑफिस की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी आपकी पड़ी हुई है जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आपका आना जाना नहीं है, लेकिन वो आपकी प्रॉपर्टी है और आपने उसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है, लेकिन वो आपके नाम पर वो प्रॉपर्टी है, या फिर जितने भी बच्चे आपके परिवार के अंदर उस प्रॉपर्टी के हकदार हैं, और अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी नेगेटिविटी है, तो वो आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर वो नेगेटिविटी भी आएगी, चाहे आप उससे कोसों दूर भी बैठे। तो कोसों दूर बैठने के बावजूद भी आप डिस्टेंस में उसके साथ कनेक्ट होकर उस प्रॉपर्टी को हील कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको लेवल 3 में ही सिखा दी जाएगी। लेवल 3 जो होता है वो हमारा, एक कहते हैं ना कि पूरा एक बेस है, मतलब लेवल 3 के अंदर सब कुछ आ जाता है, पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। लेवल 4 के अंदर सिर्फ आपको सिखाया जाएगा कि आपने लेवल 1 को कैसे हीलिंग करनी है, लेवल 2 को कैसे करनी है, लेवल 3 को कैसे करनी है। उसके अलावा 9 पावरफुल सिंबल्स भी आपको उसमें सिखाया जाएगा, प्लस आपको सिखाया जाएगा कि आपने अपने आप को किस तरीके से अट्यूनमेंट देना है, हेल्थ अट्यूनमेंट, जैसा मैंने अभी आपके सामने बोला कि आपने किस तरीके से आप अपनी हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। जैसे अभी हम लोग 7 चक्रा की जब हम लोग हीलिंग करते हैं, अपने पूरे 7ों चक्रा की हीलिंग करते हैं, या फिर हम लोकल पार्ट को हील करते हैं, तो एक हमारा प्रोसेस होता है जिसको हम 30 to 40 मिनट समय लगता है हीलिंग करने के लिए। लेकिन जब हम हेल्थ अट्यूनमेंट करते हैं या डिस्टेंस में किसी को भी हेल्थ अट्यूनमेंट देते हैं, तो वो एक ऐसा प्रोसेस है जो 5 से 10 मिनट में आपका काम हो जाता है। ठीक है, अगर आप अपनी खुद की भी सेल्फ हीलिंग करते हैं, आप खुद की देखो सेल्फ हीलिंग करेंगे हर चक्रा के ऊपर 3-3 मिनट कम से कम तो करेंगे। जब आप हर चक्रा के ऊपर 3-3 मिनट करेंगे तो 21 मिनट तो आपके वैसे भी जाने हैं, लेकिन जब आप हेल्थ अटेनमेंट करेंगे तो विद इन 5 मिनट्स में आप अपने सभी चक्रा को हील कर। ठीक है, ये हमारा लेवल 4 के अंदर है। डीप नॉलेज हम यहाँ पर आपको देंगे क्रिस्टल्स की, जो कि वो भी हमारा लेवल 3 में ही आ जाएगा। पूरी डीप नॉलेज आ जाएगी क्रिस्टल्स की कि किस तरीके से आपने क्रिस्टल्स आपकी जिंदगी में कैसे कैसे काम करते हैं प्रॉपर एक तरीके से। वो भी अगर आप उसके बाद अगर उसके कोर्स करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी करना चाहें तो वो इनफ है। जितना मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी वो इनफ है क्रिस्टल्स के बारे में जानने के लिए, क्योंकि आपको हर जब आप लोग ग्रिड्स लगाएंगे तो वहां पर आपको क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर आपको पूरा क्रिस्टल्स के बारे में बताया जाएगा। अपनी फैमिली मेंबर्स को साथ में लेकर आप किस तरीके से खुद बैठ के, जैसे मतलब आप खुद बैठे हैं, आप खुद मेडिटेशन कर रहे हैं, और अपने साथ साथ अपने परिवार के लोगों को भी उसमें जोड़ लेंगे, ठीक है, डिस्टेंस के माध्यम से। तो ये सब चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। लेवल 5 के अंदर आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपने लेवल 4 को अटूनमेंट देना है। ठीक है, उसके अलावा विद्या शक्ति पाठ आपको सिखाया जाएगा। विद्या शक्ति पाठ हमारा कहाँ पर यूज होता है, जब हम स्टूडेंट्स के लिए हम इसको यूज करते हैं, जैसे बच्चों के, जैसे 10th के 12th के बच्चों बच्चे आते हैं आपके पास अटूनमेंट लेने के लिए, और जैसे कि हम सब भी एक स्टूडेंट ही हैं, जब हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं तो वी ऑल आर स्टूडेंट्स, तो हम अपने लिए भी उसको यूज कर सकते हैं। मधुरम शक्ति पाठ हम यूज करते हैं रिलेशनशिप के लिए, जैसे अभी मैंने बोला सती ग्रेड के साथ साथ आप रिलेशनशिप के लिए भी ये अटूनमेंट, ये एक प्रोसेस है अटूनमेंट, मधुरम शक्ति पाठ रिलेशनशिप अटूनमेंट, तो ये मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी भी और आपको दूंगी भी। समृद्धि शक्ति पाठ होता है आपका एबेंडेंस के लिए, और बाकी ये मनी रेखी सिंबल्स ये सब नहीं है, ये इसमें ऐसे जोड़ दिया है। ठीक है, चलिए, बाकी ये हमारा लेवल 5 तक आपका कंप्लीट है। उसके अलावा आपको ये सिखाया जाएगा लेवल 5 के अंदर कि किस प्रकार आपको
न्यू न्यू सिंबल्स बनाने हैं मेडिटेशन के माध्यम से। आप लोग जैसे डॉक्टर मिकाओ सी थे, इज द फाउंडर ऑफ रेकी, वो बैठे और उन्होंने अपने उनको जो भी ये सिंबल्स ब्रह्मांड से मिले उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करी और इसके ऊपर काम करा। उसी प्रकार आप भी किस प्रकार से लेवल 5 के अंदर ये सीखेंगे मेडिटेशन के माध्यम से अपने नए नए सिंबल्स को बनाना, उनको नाम देना, उनको शक्ति ओ सॉरी उनको सिद्ध करना। सिद्ध करने के लिए आपको हर एक सिंबल के साथ 40 डेज तक, जो भी आप सिंबल्स बनाएंगे उनके साथ 40 डेज तक आपको मेडिटेशन करना है। वो आप अपने करेंगे पर्सनली और उसके बाद आप उन सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को तो तुरंत ही सिंबल्स मालूम चल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को तुरंत नहीं मालूम चलते। लेकिन अगर जिनको नहीं मालूम चल रहा है उनको घबराना नहीं है, उनको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनको मालूम चलेगा, बट प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो फिर फायदा कुछ भी नहीं है कोई भी मोडालिटी को सीखने। हर मोडालिटी को सीखने की जो सबसे पहली जो आपकी शर्त है वो यही है कि आपको उसके लिए प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब देखिए हमारा जो कोर्स है ये 3 मंथ्स का कोर्स है जो कि 28 अगस्त से हमारा स्टार्ट होगा। क्लासेस टाइमिंग है हमारे वेडनेसडे फ्राइडे 9 PM और सारी क्लासेस आपकी उस पर होंगी, जूम पर होंगी आपकी सारी क्लासेस। 2 साल के लिए आपको ये सारी रिकॉर्डिंग आपके लिए वैलिड है, आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे आपके क्लियर किए जाएंगे। आप जब तक क्लास के अंदर हैं तब भी, आफ्टर क्लास भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो आप अगर एक बार आप रिपीट करना चाहते हैं तो रिपीट आपके लिए वंस फ्री है, तो आप कर सकते हैं। सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे और नोट्स आपको सारे अवेलेबल होंगे हर लेवल के अलग अलग। ठीक है, हाँ जी बताइए जसलीन जी, आपका बड़ी देर से हैंड रेज है, बताइए। मैम गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम मनिंदर कौर है, ये मेरी बेटी का नाम है। सो उसकी आईडी से आई थी मैं कब से आपकी वेट कर रही थी रेकी की। एक्चुअली मैंने आपके बहुत कोर्सेज लिए हैं अभी फिलहाल 3 मंथ में, लेकिन मैं कर नहीं पाई लाइव। तो अभी ये रेकी है तो काफी मुझे था कि मैं ये लाइव जो मर्जी हो जाए जरूर करूंगी। मैम मुझे आपसे ये क्वेश्चन था कि ये प्रेग्नेंट लेडी कर सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप दुबई से है ना, आपकी जी हाँ जी बात जी 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 बस। हाँ जी एक तो मैम ये है, अगर और प्रेग्नेंट लेडी को भी हम हील कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल कर सकते हैं, देखो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी करेगी तो उसके साथ साथ उसके बच्चे में भी वो संस्कार डेवलप होंगे। ठीक है मैम। और मैम सेकंड मुझे ये पूछना था कि जैसे हम काफी जगह पे देखते हैं कि अपनी ब्यूटी को एनहेंस करना और बालों को सही करना, इसके लिए भी कहते हैं रेकी हीलिंग लो या करनी चाहिए, तो ये भी आप सिखाएंगे। हाँ बिल्कुल, बालों के लिए नहीं, मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगी जिसमें आप सारा कुछ कर सकते हैं, बालों के लिए कर सकते हैं, अपने स्किन के लिए कर सकते हैं, हर चीज के लिए कर सकते हैं। प्रोसेस आपको एक बार सिखा दूंगी, फिर उस प्रोसेस से आप कुछ भी किसी भी चीज की हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है मैम। और मैम आपके मैंने तो एक, थेरेपी में भी है ना, हाँ आपने जी एंजल्स एंजल एंजल्स में भी में है, भी पर मैम वही ना लाइव नहीं कर पाई मैं इस बेस पे, ये जो ड्यूरिंग पीरियड चल रहा है ना, तो इसलिए आप तो मैम एक और बात है, ची बॉल का नाम मैंने बहुत सुना है रेकी में, ये भी मतलब इसमें इंक्लूड है। आपको सिखाऊंगी मैं ची बॉल भी सिखाऊंगी। ठीक है मैम, ठीक है मैम। और आपके आपने जैसे बताया कि नेगेटिविटी जो भी अपना हेल्थ इश्यूज है इससे हम सब कुछ हील कर सकते हैं, डिस्टेंस में भी अपनी भी, तो मुझे बस यही डाउट था कि जैसे एक प्रेग्नेंट मैं जैसे हूँ और मैं कर सकती हूँ अपने ना। हाँ बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर ठीक है सकते। मैम, और लाइव पूरा मैं करने की कोशिश करूंगी, और आपकी बस ब्लेसिंग चाहिए मैम मैं कर पाऊँ। बहुत उम्मीद लेके आई थी वेबिनार में, कब से बैठी हुई हूँ। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, आपसे मिलके। थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम, थैंक यू सो मच हाँ जी सत्येंद्र प्रकाश जी बताइए। मैम। मैम फीस नहीं बताई आपने, फीस स्ट्रक्चर भी बताते हैं इसके साथ। अच्छा फीस नहीं बताई आप, फीस बता। हाँ इसमें कहाँ था, नीचे था नहीं मैम। जी फीस जी स्ट्रक्चर मैम, देख, न्यू पार्टिसिपेंट्स के लिए 11,000 आफ्टर डिस्काउंट 6,100, ठीक है। और जो ऑलरेडी हमारे यहाँ से और भी कोर्सेज सीख रहे हैं उनके लिए आफ्टर डिस्काउंट 5,100। ठीक है, ओके और ये आपका यस सारा, और ये 3 मंथ्स का फीस है आपका, पूरा 3 महीने का फीस। मैम, कब ठीक से है, स्टार्ट हो रहा है?
28th ऑफ अगस्त। ट्वेंटी इट्स ओके डेट हो ओके सकता है थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए, अभी हाँ तक कोई कुछ प्रॉब्लम आगे पीछे हो सकती है, ठीक नहीं है। ओके उसके अलावा ओके ये आप लोगों के सारे बैंक नंबर्स, अकाउंट नंबर्स यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप इस नंबर पे भेज सकते हैं। यस मैम एक मिनट ले लेता हूँ 7982552301 और 9999119516, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जी जब आप जैसे लगे आप उसको कर, जी क्लियर। और कुछ हाँ बोलिए। मैम एक और बात करनी थी मुझे। मैंने वैसे एनरोल कर चुकी हूँ मैं तो। जैसे मैम आपने फाइनेंशियल बेस पे बात की, तो मैम जैसे इसमें एक पार्ट आता है स्ट्रक्ट मनी, तो जो लोग पैसे नहीं दे रहे या हम चुका नहीं पा रहे, तो उन चीजों को भी हम हील कर पाएंगे इसमें, कि उनका माइंड थोड़ा चेंज हो, हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जब सके। हम टेलीपैथी करेंगे ना तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको कर सकते हैं। अच्छा जी, वो आप इसमें होगा ना बिल्कुल टेलीपैथी जो बिल्कुल, आप बता। ठीक है मैम, टेलीपैथी ठीक में भी आप उसे कर सकते हैं, बाकी हम साइकिक सर्जरी में भी उसको करते हैं, कई बार हम लोग साइकिक बिल्कुल सर्जरी यूज करते हैं। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी नैन्सी जी बताइए। हाँ जी मैम नमस्ते। मैम हाँ बताइए नैन्सी जी। मैम मैं ये कह रही थी कि टाइमिंग अगर 7:30 हो जाता तो बेस्ट। मैं 9 बजे तो अभी एंजल थेरेपी भी करते हैं ना, तो मैं सो ही जाती हूँ। इतनी देर तक उठा ही नहीं जाता। 7:30 हो चलिए या 5:30 जैसे भी। अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती होगी, मुझे यही टाइम मिला, उन्होंने यही टाइम दिया मेरी तो, इसलिए मैम मैं टाइम सुना नहीं, टाइम कितना है? 9 PM है क्या? 9 9 9 9 to 10:30। ओके थैंक यू। नहीं मैं अभी भी तो यही हाल है मैं मेरा, नहीं मैं मॉर्निंग को रख लीजिए, नहीं तो मॉर्निंग में भी रेकी सीखेंगे तो अच्छा लगेगा। मॉर्निंग में अगर हम लोग वो ना मेडिटेशन हाँ जो होंगी हमारी मॉर्निंग में मैम होंगी, मॉर्निंग में मत रखिए, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद ही हम लोग कर सकते हैं। अभी भी हाँ ऑफिस में पड़ा हुआ हूँ। हाँ 9 o'clock का टाइम ही इसमें रखा होता है ना, कि ताकि सभी लोग उसको कर हाँ पाए, जो लोग वही अपना आई खाना नो लाइक होकर कुछ बैठे। कुछ हाँ वही पॉइंट यही है। और सुबह मॉर्निंग में हम लोगों को मेडिटेशन क्लासेस होती हैं 5 5:30 से 6, जैसे जब हमारे 21 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग होगा तो वो तो आपका 1.5 घंटे का पूरा वो है, 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग, वो आप चाहे पर्सनल लेवल पे भी कर सकते हैं, वरना जो हम यहाँ पे मेडिटेशन कराएंगे 7 चक्रा का तो वो आपका मैक्सिमम आधे घंटे से 40 मिनट का होगा, तो जैसे भी टाइम होगा वो क्लास के अंदर सेट हो जाएगा 5 बजे या 5:30 बजे, ठीक है। तो उस तरीके से, लेकिन मॉर्निंग मेडिटेशन हम लोग कराते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आप लोगों को जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे उन सबको वहां पे प्रेजेंट भी होना चाहिए, तभी उसको कराने का मजा भी आता है और तभी सब लोग उसकी एनर्जी को फील भी कर पाते हैं, ठीक है। अगर 1 2 4 लोग हो तो फिर मजा नहीं आता कराने का, तो इसलिए आप सभी लोग उसको ज्वाइन करें तो अच्छी बात है। चलिए बाकी नैन्सी जी मैम ये ऑफिस रेकी सीखने की एज लिमिट क्या होती है? एज लिमिट कितने कोई साल भी का नहीं होती, बच्चा भी सीख सकता है? छोटे बच्चा भी कर सकता है, 10 साल का 9 साल का बच्चा भी सीख सकता है जब वो समझने लग जाता है। अगर कुछ अच्छा बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं वो छोटी उम्र में भी समझने लग जाते हैं और भी छोटी उम्र में भी समझने लग जाते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और 100 ईयर्स के आप हैं और तब भी आप समझ रहे हैं बात को, तब भी आप सीख सकते हैं, तो कोई एज लिमिट नहीं होती है इसके अंदर, ठीक है। ओके मैम चलिए हाँ जी विनोद जी बताइए। मैम डे कौन से बताए आपने? वेनसडे एंड फ्राइडे। 9 बजे? हाँ जी 9 बजे तो अभी ना वास्तु वाला चल रहा है, वेंसडे फ्राइडे। वेनसडे फ्राइडे वास्तु यहीं पे गुरुजी हाँ में, गुरुजी में चल, तो वो 9 बजे है। चलिए 9 बजे ही है। बात करेंगे फिर ऑफिस में ना, कि ऐसे सेम सेम कोर्सेज वो अभी खत्म होने वाला होगा या तो आपका कि अभी नहीं, स्टार्ट। अभी अभी तो मिडल में भी नहीं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं बात करूंगी, क्योंकि ऐसे कभी होता नहीं है कि दो कोर्सेज ऐसे क्लैश हो जाए, तो बात करूंगी मैं। आपका नाम विनोद है ना?
जी ठीक है, बात करते हैं। चलिए, और कोई क्वेरी विनोद जी आपकी? नहीं और नहीं है। ठीक है, चलिए। हाँ जी मैथ्यू जी, बताए। आपके मैसेज आए थे मैथ्यू जी, पर मैं देखे ही नहीं देखा ही नहीं मैंने। आपका वो अनम्यूट करिए आप अपने आप। नहीं मैम, मैंने लास्ट में लिखा भी था कि आई नो यू आर वेरी बिजी टुडे, तो आप कल ही देखना करते। कि वेरी बिजी थी मैं, ऐसा नहीं था, बट मैं देख ही नहीं पाई एक्चुअली। नहीं क्योंकि अभी आपका ये है सेमिनार वेबिनार देन क्लास है अभी, तो मैंने कहा मैडम ये वो कुछ अर्जेंट था, तो मैंने कहा लिख तो दूं मैं, आप कल करना उसको आराम से। तो ठीक है, ठीक है, चलिए मैम बताइए मैंने ना आप। वो वहां से पूरा कोर्स का डिटेल मंगाया था, तो मैं अभी अभी आके मैंने ज्वाइन किया ये, तो इसमें लेवल 5 तक का भेजा उन्होंने। हाँ लेवल 5 तक का है। ये पूरा कवर्ड है इसके अंदर, लेवल 5 तक। हाँ अच्छा, इसमें आप जैसे ये साइकिक अटैक और इसका भी हीलिंग साइकिक अटैक ये सब सिखाते हैं ना इसके अंदर ही। बिल्कुल कल बिल्कुल। मैंने क्लास में पूछा था, मेरे को समझ में नहीं आया था, मैंने आज डिटेल मंगाया उन लोगों से। तो मैंने अच्छा कहा मैडम से आई गॉट ए चांस ज्वाइन करने का अभी, तो मैंने कहा मैम से पूछ भी लेती हूँ करके। मैं ठीक है मैम फिर, क्योंकि मैंने लेवल 1 लेवल 2 किया है, करुणा रेखी भी आपसे किया है मैंने, लेकिन ये उसमें ये साइकिक अटैक वगैरह इन सब का नहीं था। तो वो ये तो लेवल 1 और 2 में होता भी नहीं है ना, वो लेवल 3 में सिखाया जाता हाँ है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में नहीं भी सिखाया जाता। हाँ हाँ तो इसमें मैंने देखा लेवल 5 तक है, तो पूछा ना कि आप लेवल 5 करा देते हैं बीच में से लेवल, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में बीच बीच में बहुत सारी चीजें नहीं सिखाई होती है ना। आपने तो मेरे से ऑलरेडी कोर्सेज किए हैं, तो आप इस बात को समझ भी पाएंगे कि भी बहुत नहीं सारी, कभी एंजल। हाँ अभी कर भी नहीं, तो बहुत सारी जगहों पे वो बहुत सारी चीजें नहीं भी सिखाते हैं, तो उससे क्या होता है ना, फिर वो हमारे को हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर वो हमारे लिए भी तो अनसेटिस्फेक्शन वाला बात हो जाएगी है ना। जब तक आपका, आप जब देखिए हम यहाँ पे बैठे हैं, आप एज अ स्टूडेंट हमारे से पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर वो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, जब तक आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी, तब तक हमारे को भी तो चैन नहीं पड़ेगा ना, हमें भी तो होगा ना, आपको समझ में आना चाहिए अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, यू आर अ है वेरी गुड टीचर मैम, आप ना। इस चीज का बहुत ध्यान रखते हो। हाँ तो ये चीजें फिर इसलिए फिर मेरे को लगता है कि नहीं, ऐसे कोई हमारी बहुत, हमने फीस को हमने बहुत बड़ा नहीं फीस रखा है, हमारा फीस भी बहुत सिंपल है, छोटा है, यस हर कोई उसको कर सकता है। 6100 अगर आप पे कर रहे हैं, जो लोग न्यू हैं, तो 2000 ही मान के चलिए ना पर मंथ, हाँ है ना। तो अगर आप उतना कर पा रहे हैं तो कोई ज्यादा नहीं है, तो अगर आप पूरा कोर्स करेंगे तो वो आपके लिए ही अच्छा है, आपके लिए ही है। और हर टीचर का अपना तरीका, 1 सेकंड होल्ड करेंगे। मैम, ये ग्रैंड मास्टर लेवल का कोर्स है ना, इसका सर्टिफिकेट हमें ग्रैंड मास्टर के बेस पे मिलेगा ना? हाँ जी, ये ग्रैंड मास्टर का है कोर्स है, इसका सर्टिफिकेट आपको ग्रैंड मास्टर का ही मिलेगा। अभी जैसे कि हमने इसमें इतना नॉमिनल सब कुछ रखा है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को सीख पाए, और हर टीचर का अपना तरीका होता है, आप किसी भी टीचर भी सीखेंगे ना, आप उसमें कुछ ना कुछ तो न्यू सीखेंगे ही सीखेंगे, कोई भी टीचर से आप कुछ भी सीखें। जैसे मैम 21 डेज लाइफ मेडिटेशन लिखा है, तो वो आप मॉर्निंग में कराते हैं क्या? हाँ वो मॉर्निंग में होगा, लेकिन वो मॉर्निंग में तभी होगा जब ज्यादा ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे। उसका क्या टाइमिंग रहता है मैम? मैंने बोला क्लास में बात करेंगे, वैसे तो 5 या फिर 5:30 इसी बीच में टाइम सेट ओ हुआ। मॉर्निंग में, हाँ मॉर्निंग। ओके ओके। चलिए चलिए मेघा जी बताइए, आपका कोई और क्वेश्चन तो नहीं है ना मैथ्यू जी? नहीं नहीं मैम, थैंक यू। अब 9 o'clock क्लास में मिलते हैं, थैंक यू। थैंक यू। चलिए हाँ जी मेघा जी बताइए। जी मैम, मैम मेरा एक ये क्वेश्चन है कि जो मेडिटेशन आप लाइव सिखाएंगे वो कंपल्सरिली मॉर्निंग में करना तो नहीं है? बिकॉज जब ऐसा आपकी कुछ मॉर्निंग होगी मेरी यहाँ पे आप इवनिंग होगी।
आप उसको दिन में कभी भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। और मतलब ऐसा भी ऐसा तो नहीं नहीं है है, ना कि एम्प्टी स्टमक होना चाहिए, वो कंपलसरी है। देखो ऐसा होता है कि एक खाना खाना है मतलब आधा घंटा पहले खाना खा लीजिए। क्यों? क्योंकि जब हम लोग कई बार मेडिटेशन करते हैं ना, तो किसी किसी को एसिड बन जाता है बॉडी के अंदर, जी जी एनर्जी लेवल बढ़ते हैं ना, तो बॉडी में एसिड बन जाता है, तो एसिड बराबर, बनने से प्रॉब्लम हो जाती है, सिर भारी होना शुरू हो जाता है, चक्कर। राइट, बेटर ऑप्शन है कि आप आधा घंटा पहले खाना खाएं, मतलब तुरंत खाना ठीक खा है के जी। ना करें। वो मेडिटेशन तो जैसे आप टाइम, हाँ, मेडिटेशन करने के तुरंत बाद आप खाना खा सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन अच्छा करने पहले खाना नहीं खाना। हाँ, आप नहाना ठीक है, नहा सकते हैं मेडिटेशन करने से पहले, लेकिन मेडिटेशन ओके करने के तुरंत बाद आपको नहाना नहीं है, क्योंकि बॉडी आपकी ठीक हीट होती है, गर्म होती है मेडिटेशन करने के बाद, और आप नहा लेंगे तो फिर वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर। जी मैम, जी ठीक है, तो मैम, ये सब चीजें मैं आपको जब हम लोग क्लासेस करेंगे ना, तो किस ठीक तरीके से क्या क्या ये है। सारी चीजें आपको बताऊंगी। और मैम ये 21 डेज की रेगुलर ही होगी ना, ऐसा तो नहीं है ना कि वेंसडे एंड फ्राइडे क्लास है तो वेंसडे एंड फ्राइडे ही हमारी ट्वेंटी मेडिटेशन वन हो रही है? डेज ठीक मतलब है रेगुलर 21 डेज है। ठीक है, इसके है ठीक है, अलावा आपको ऑडियो दे दिया जाएगा, अगर कभी बाई चांस कोई चीज मिस भी हो जाता है तो आप उसको पर्सनली उसको कर सकते हैं। कभी कभी मेरी तरफ से भी कोई एक आध दिन मिस हो जाए तो आप उसको पर्सनली कर सकते हैं, वैसे तो मिस होगा नहीं, बट इन केस कभी हो जाता है, कई जी बार नेटवर्क इश्यू हो जाता है, कई बार कुछ और हो जाता है, तो आप उसको पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं खुद से। और ओके जैसे ठीक तुम्हारा 1.5 घंटे का मेडिटेशन है 24 बॉडी पार्ट्स का, तो वो भी आप आधा आधा घंटा करके किस तरीके से उसको करना है वो भी मैं आपको सारा बताऊंगी। ठीक है ना, जैसे आप ओके आधा घंटा जैसे करेंगे उसको 3 पार्ट्स में किस तरीके से डिवाइड करें, अगर आप रेगुलर 1.5 घंटा बैठ के नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो इतना बड़ा मेडिटेशन सुन के ही घबरा जाते हैं कर नहीं पाने। राइट मैम, मैं घबरा तो नहीं रही, बट पॉइंट इज मेरे 2 बच्चे हैं, दैट बहुत छोटे बच्चे हैं, तो वो आके, मैं जब भी पूजा भी करती हूँ इनफैक्ट घर पे ना, तो वो आके परेशान करते हैं, बीच में आते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, तो मेरे को बस उससे वो ही कंसर्न है, एक बाकी तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है ना, जी। तो वो सब चीजों का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं ठीक है। है ठीक है मैम, एक लास्ट क्वेश्चन और है मैम, मेरा जो बड़ा बेटा है वो जब भी स्कूल जा रहा है तो वो ना, मतलब 2 दिन जाता है फिर बीमार होकर आ जाता है, तो हम उस सिचुएशन को भी हीलिंग कर सकते हैं रेकी करने के बिल्कुल बाद? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जब आप क्लास ज्वाइन करेंगी तो आप वो सब भी कर सकते हैं। बिल्कुल। परफेक्ट, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। हाँ मैम जी एक क्वेरी है। हाँ बोलिए, कौन है? मैम सुकांत सोम। हाँ हाँ बताइए। मैम यहाँ पे जो इनिशिएशन होगा वो क्या 1-to-1 होगा या ग्रुप में होगा? ग्रुप में होगा, और ग्रुप में आप लोग कैसे किसी को दे पाएंगे वो भी आपको सिखा दिया जाएगा, और ऐसा बिल्कुल नहीं आपको लगेगा कि आप ग्रुप में कर रहे हैं तो आपको किसी तरह की कोई ऐसे लगे कोई एनर्जी लेवल लो लग रहा है या आप नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर लिया है वो आपको बता सकते हैं कितने लोग हैं यहाँ पर जो उन्होंने लिया हुआ है। नैन्सी जी आपने लिया हुआ है ना पहले? कोई बैठा हुआ है? मैम जी क्या मैम, लिया लिया हुआ हुआ है? है, रखा है लिया हुआ है ना आपने नैन्सी जी? मैम, क्या लिया हुआ है? अट्यूनमेंट पहले लेवल 1-2 का लिया हुआ है ना आपने? आपने किया है कोर्स? मैम मैंने कर रखा है कहीं और से, सेकंड लेवल तक। अच्छा चलिए, और बाकी जैसे आपने जो भी मेरे से कोई और कोर्सेज करे हैं जिसमें मैंने आपको अट्यूनमेंट दिया है ग्रुप में, कैसा रहा हाँ आपका? जी मैम, मैम वो तो बहुत ही अच्छा है, आपका तो पढ़ाने का भी तरीका और अट्यूनमेंट भी सब कुछ ही बहुत अच्छा है। मैंने मैग्नीफाइड कोर्स किया था, एंजल हाँ थेरेपी कर रही हूँ, हाँ मैंने मतलब और भी कोर्सेस किए हैं, मतलब आपका तो पढ़ाने का वे ही बहुत अच्छा है, इसलिए मेरे को है कि अब मैं रेकी भी सीख ही लूँ, पूरा कर लूँ। हाँ जी ओके। मैंने इनरोल कर दिया है। हाँ हाँ, तो मैंने कहा आपने जी जिनका ये क्वेश्चन था कि अगर आप पूरा सीखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है, कि आपको को मतलब ग्रुप में हो रहा है तो आपको वो एनर्जी फील नहीं हो रही है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तो आप सीखेंगे आप तब इस चीज को समझ पाए। ओके ठीक मैम, है, नो इशू नो इशू, ओके थैंक यू मैम। हाँ जी जसपाल जी बताइए। नमस्कार मैम।
जी मैम मेरा समझ। सवाल है कि देखिए ग्रैंड मास्टर करवाएंगे तो उसके सिंबल्स क्या कुछ अलग से और हैं? लेवल 3 तक के तो सिंबल्स किए हुए हैं बिकॉज वहां तक लेवल के पता फोर है। में है ना सिंबल्स, मैंने बताया ना लेवल 4 में आपको 9 सिंबल्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ओके, 9 सिंबल्स प्लस उसके पहले के जो 5 सिंबल्स हैं वो मिलेंगे। हाँ 5 सिंबल्स कौन से उससे पहले के बेटा? नहीं लाइक सिंबल नंबर 1 से शुरू करके अपना राखो तक। नहीं उसमें भी बहुत सारे सिंबल्स हैं लेवल 3 के अंदर, 5 सिंबल्स थोड़ी ना है ओके लेवल 3 मैं में भी समझ गई। तो। फिर आप उसमें और जो सिंबल्स जो डिफरेंट स्कूल्स अलग अलग करवाते हैं वो भी आप इसमें ऐड कर रहे हो, प्लस हाँ आपने जैसे बताया कि आपके खुद के भी कुछ सिंबल्स हैं वो भी ऐड कर रहे हैं, राइट? मेरे के सिंबल्स नहीं है, जिनसे मैंने सीखा था मेरे जो टीचर हैं उन्होंने बनाए हुए थे। जैसे इन्होंने बोला ना कि मॉडर्न और हिस्ट जो पुराने हाँ सिंबल्स हैं जी जो ऑफ रेकी और मॉडर्न सिंबल है ट्रेडिशनल रेकी, तो वो जो उन्होंने हमें सिखाए हैं जिनका हमारा शक्तिपात हुआ है वही मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है ओके जी, ओके क्लियर, गॉट इट मैम, थैंक यू सो मच। चलिए चलिए अभी फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है नहीं। और मिलते हैं 28 पे। मैम 28 ऑफ दिस मंथ यस 28 ऑफ दिस मंथ मे भी एट हो 9 o'clock। सकता है चेंजेस हो जाए तो अलग बात है, लेकिन इसी अभी स्टार्ट हो जाएगा। ओके मैम, ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू यू एंड ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू थैंक यू मैम, मैम, थैंक थैंक यू यू बाय, मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू वेरी मच मैम। टू एवरीवन, थैंक यू।